और ये देखिए हमारे दाढ़ी वाले बाबा जी पहुंच गए यहाँ पे। भाई बन्नी भाई और अनुज भाई यहाँ पे चूल्हा बना रहे हैं। तो दोस्तों टाइम हो गया 4:36 और हम यहाँ पे बिल्कुल पूरी रात नहीं सोए शैंकी भाई। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम चंबागढ़। ये देखिए ये वो व्यू था जिसके लिए हमने इतनी मशक्कत की। स्नो लाइन देख सकते हैं आप हमारे पीछे। वाह जल्दी कर क्या शॉट आया है भाई। तो देखिए आग हमारी जल गई है बड़ी देर की मशक्कत के बाद। मैगी और ये अपने भाई साहब है गीली लकड़ी। एक बार दिखाएं इनको अनुज भाई। गीली लकड़ी थी और अनुज भाई और मैगी ने बहुत मेहनत की और मैंने और बन्नी भाई ने मेहनत की टेंट लगाने में। आपको दिखाते हैं ये हमारा टेंट हो गया तैयार जैसे कि आपने देख लिया था। वैसे टेंट का टूर करवाते हैं। ये हमारा छोटा सा टेंट है अभी, इस पर सेटअप नहीं हुआ है। बाकी दो टेंट हमारे और आएंगे। दो टेंट हमारे और आ रहे हैं, बाकी 7-8 बंदे और आएंगे। बाकी हम रात का सीन आपको दिखाएंगे क्या क्या है। तो यहाँ पे टेंट लग जाएंगे दो और हम यहाँ पे लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त नेगी और ये बन्नी भाई ऊपर है। अभी हम यहाँ से लकड़ियाँ ढूंढ रहे हैं। यहाँ जंगल में देख सकते हैं आप नीचे थोड़ी थोड़ी सी, यहीं से कलेक्ट करके ले जाएंगे। बाकी मज़ा आ रहा है। लकड़ी लाते हुए हमारे प्रवीण ने यहाँ देखिए इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठे कर ली। पर इसे यहाँ तक तो ले आनी थी बन्नी भाई। अरे यहाँ क्या करते बन्नी भाई आप। और ये देखिए हमारे दाढ़ी वाले बाबा जी पहुंच गए यहाँ पे। वेलकम हमारे शंकी भाई का। कैसी हालत है आपकी? आप पुराने वाले रूट से आए? बहुत हमारे भाई आप किस राशि में हैं? क्या बोल रहे हैं आप भाई जी? मैं लकड़ी लेके आए पहले। लकड़ियां लेके आएंगे बिल्कुल, हमने थोड़ी सी ले आई है बाकी। चलो भाई चलो, रुको सब गधे आने। और ये गाइज 8:30 होने को आए हैं और शंकी भाई बन्नी भाई और अनुज भाई यहाँ पे चूल्हा बना रहे हैं। लाइट वाले बन्नी भाई, ओ नेगी जी और हमारे कुछ साथी परे हैं, चूल्हे की जद्दोजहद कर रहे हैं यहाँ पे। ये भी एक अलग ही फन है, क्यों शंकी भाई? बहुत भाई, लकड़ियाँ खुद इकट्ठे करो, मतलब खुद को इंसान को ना आदि मानव फीलिंग आ जाती है। रात के 10 बज चुके हैं और हम अभी खाना बना रहे हैं। ओ लगा दी लड़ू तो संगे मीठी मीठी बातों का पता भी नहीं लगा कि ना लगा दी लड़ू। रात के 2 बजने वाले हैं यहाँ पे और ये हमारी बॉन फायर अभी भयंकर रूप ले चुके हैं। तो दोस्तों टाइम हो गया 4:36 और हम यहाँ पे बिल्कुल पूरी रात नहीं सोए शंकी भाई बन्नी भाई उस साइड नेगी। हाँ अभी ऐसे ही लंबा पड़ा है, सोया नहीं है। पर हम पूरी रात नहीं सोए। सोने का रीजन ये हुआ कि मतलब हमको नींद ही नहीं आई और हम बढ़िया एंजॉय कर रहे थे अभी तक। और ये देखिए बाहर आपको लाइट दिख रही होगी, उजाला हो गया है सुबह का, बहुत ही अच्छी रही। बाकी लोग इस साइड टेंट में सोए हैं, कुछ इस साइड टेंट में सोए हैं, मज़ा आ गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 2 घंटे के पावर नैप के बाद हमारे कुछ हाल ऐसे हैं। देखिए पूरी रात हम सोए नहीं और थोड़ी देर सोए थे। मेरे ख्याल 2-3 घंटे सोए हम, बाकी हमने पूरी रात एंजॉय लिया, बता नहीं सकते आपको, बहुत मज़ा रहा। ये वो धुनी थी जो पूरी रात जलती रही। भाई साहब जलाने वाले थे अपने अनुज भाई, ये सहने वाले थे। और यहाँ देखिए बन्नी नेगी जी डेड। सुबह के 10:30 होने वाले और अभी हम यहाँ से खाना खुना खा के पैकिंग कर रहे हैं। अभी हम
चंबागढ़ तक जाएंगे, थोड़ा सा फोटो शूट और थोड़ी सी सिनेमेटिक्स आपको दिखाऊंगा वहाँ के। बाकी ये पैकिंग कर रहे हैं हमारे दोस्त, कुछ यहाँ टेंट लगे थे, कुछ ये बाकी कुछ टेंट यहाँ ऊपर भी लगे थे, बाकी हमारी वॉन फाइट कल रात से चली हुई है अभी तक। शंकी भाई क्या सारा एक्सपीरियंस? भाई बहुत ही अच्छा, बस इतना ही, मतलब ऐसा कि अगर आपको दोस्तों के साथ बैठना है तो जरूर जगह पे आइए, अच्छी जगह है, स्पॉट अच्छी है, काफी अच्छी है, बिल्कुल। और इसी स्पॉट पे आइए, आपको बट्टी प्यार मिलेगी, बिल्कुल बट्टी प्यार मिलेगी भाई। नेगी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सर आपका एक्सपीरियंस दोनों नेगी होगा? फनी फन था, वावा जोन एक्टिवेट था, वेरी गुड। चलिए करते हैं इस सुंदर सी जगह को विदा, मिलते हैं आपको चंबागढ़ में। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, दिन के बज गए हैं 11:30। अभी हम यहाँ से चंबागढ़ के लिए निकलेंगे और हमारे आधे साथी जो नीचे से आए थे वो निकल रहे हैं, और हम जो 4-5 बाइक में आए थे हम बाइक के रास्ते से जाएंगे, वो ही लोग ऊपर चंबागढ़ जा रहे हैं। तो बाकी देखते हैं आगे, चंबागढ़ का नज़ारा दिखाते हैं थोड़ी देर में आपको। और ये देखिए टॉप पे पहुंच चुके, यस सेकंड रनर अप मैं हूँ, और 15-20 मिनट की कंटिन्यूस चढ़ाई चढ़ गए हम पहुंचे इस जगह पे, आपको दिखाते आगे। सो हेलो गाइस, हम चंबागढ़ के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, मैं और निकी पहले पहुंचे थे, और मेरे साथ है बन्नी नेगी जी पीछे से देख सकते हैं, और कुछ साथी हमारे नीचे से बिल्कुल सीधे आ रहे हैं। बाकी चंबागढ़ यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ आगे आपको व्यू दिखाएंगे कैसा व्यू है। और बनी नेगी जी कैसा रहा आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड सफर? बिल्कुल, हमने 20 मिनट एकदम बिल्कुल सीधी चढ़ाई चढ़ी, और मैं दूसरे साथी ज्यादा अच्छा है, व्यू बिल्कुल अच्छा है, और अच्छा है आगे आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम चंबागढ़, ये देखिए आपको मैं व्यू दिखाता हूँ बैक कैमरा करके भी, वाओ। वाओ ये देखिए, ये वो व्यू था जिसके लिए हमने इतनी मशक्कत की, स्नो लाइन देख सकते हैं आप हमारे पीछे, वाओ। ये तो गाइस कैसा लग रहा है आपको? ऑसम, फुल पावर, बावाज ऑन एक्टिवेट, ये जय हो। यहाँ देखिए यहाँ पे स्तूप टाइप बनाए हुए हैं लोगों ने, एक आधा शायद हम भी बना दें, बाकी पैसा वसूल इस लोकेशन का है भाई, बिजली महादेव जी बिल्कुल हमारे एग्जैक्ट सामने। और ये वो गांव था जहाँ पे हमारे बाइक वगैरह लगे, तो इस व्यू के आप एक लाइक तो बनता है, ये देखिए वाओ। अगर आप काशीधार आ रहे तो प्लीज़ इस जगह को विजिट करें, और आप इस लोकेशन का मज़ा लें, इस व्यू का मज़ा लें, पीछे बिजली महादेव, आगे आपको भुंतर वगैरह सब कुछ, मणिकन वैली, स्नो लाइन वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। तो आप एक बार ज़रूर आए, एक मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर जब आपने काशीधार आना है तो पीज होके थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है। अगर आपके पास गाड़ी या बाइक है अवेलेबल है तो आप लोट होकर आएँ, लोट होकर आप बड़े आराम से आ सकते हैं, रोड भी ज़बरदस्त है, व्यू भी आपने देखा होगा कैसा है पिछले कल हम जैसे आए थे। और यहाँ देखिए लोट बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे है मेरे, और लोकेशन भी बड़ी ऑसम है, पूरा पैसा वसूल। अभी हम चंबागढ़ से निकल रहे हैं और निकल रहे हैं कुल्लू के लिए, और ये देखिए यहाँ पे गद्दियों की भीड़ है। अभी हम निकल रहे हैं हमको सीधा कुल्लू यहाँ से, और यहाँ पे कुत्ते भी हैं। गद्दियों
डैम फ्लाइज। वाओ जल्दी कर, क्या शॉट आया भाई। और ये देखिए, ये हमारी डेस्टिनेशन है, ये नीचे काइस्तार डेस्टिनेशन। हाँ आदि फिलहाल, तो चलिए चलते हैं। और ये व्यू देखिए क्या ही जबरदस्त है। तो अभी हम काइस्तार से निकल रहे हैं वापस कुल्लू के लिए, प्रस्थान कर लिया है कुल्लू के लिए, तो हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं। कुछ दोस्त हमारे पीछे रह गए, और बाकी मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू आप सभी का मेरे यहाँ तक देखने के लिए। और अभी हम लोट तक जाएंगे, लोट यहाँ से लगभग आधे घंटे का है, फिर निकलेंगे कुल्लू। तो थैंक यू आप सभी का जुड़े रहने के लिए।